हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ सीखने जा रहे हैं। वो भी किसका? तो भिन्न संख्याओं का। भिन्न संख्याओं का नहीं मतलब क्या, फ्रैक्शंस का। हेलो, आज फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे। तो इसको जानने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई संख्या स्पॉट होता है तो ऊपर वाला जो अंक होता है, ऊपर वाला जो डिजिट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंश। और नीचे वाला अंक जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो ऊपर वाले को आप बोलिएगा न्यूमिरेटर, क्या बोलिएगा? न्यूमिरेटर। और नीचे वाले को आप क्या बोलिएगा? डिनोमिनेटर। आया समझ में? ऊपर वाला न्यूमिरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। सर ये क्यों बेटा बता रहे हैं आप? इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये फॉर्मूला को आप अच्छा से समझ लो। चलिए बोर्ड पे देखिए ध्यान से। बोर्ड पे आपको दो फॉर्मूला लिखा हुआ है, दोनों फॉर्मूला हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है ना। इसलिए हम लीजिए कि जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो हिंदी में आराम से समझ लेंगे, जो इंग्लिश वाले हैं बच्चे वो इंग्लिश में भी समझ सकते हो। तो देखिए हिंदी में यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है भिन्नों का लसा। अगर भिन्न संख्याओं का लसा निकालना है, लसा मतलब क्या? लघुत्तम। तो लघुत्तम निकालना है तो अंशों का लसा और हरों का क्या करेंगे? मसा निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। भिन्नों का मसा निकालना है तो मसा निकालना है मतलब महत्तम। तो महत्तम कैसे निकालेंगे भाई? तो अंशों का मसा निकालेंगे, हरों का लसा। तो सर आप तो फॉर्मूला बता दिए, हम तो फॉर्मूला नोट भी कर लिए, लेकिन याद कैसे रखेंगे सर? भूल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि किसका लसा निकालना है किसका मसा। तो एक मेरे पास बहुत ही सिंपल उपाय है। क्या उपाय है? यहाँ क्या निकालना है? लसा। तो ऊपर वाले का लसा निकालिएगा, नीचे वाले का मसा। ये देखिए बहुत ही अच्छा उपाय है कि नहीं है? फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है? नहीं, फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको रट्टा मारना ही नहीं है फॉर्मूला को, बस जो बता रहे वो ध्यान से सुनिए। भिन्नों का लसा निकालना है, क्या निकालना है? लसा। तो लसा तो समझिए ऊपर वाले को लसा निकालेंगे, नीचे वाले को मसा। अगर निकालना है मसा, मसा माने HCF, तो ऊपर वाले को क्या निकालेंगे? मसा, नीचे वाले को लसा। यही फॉर्मूला यहाँ पर इंग्लिश में निकल रहे हैं। अगर हमको निकालना है LCM, LCM निकालना है तो ऊपर वाले का निकालेंगे LCM और नीचे वाले का HCF। अगर हमको निकालना है HCF, क्या निकालना है? HCF निकालना है तो ऊपर वाले को निकालेंगे HCF, नीचे वाले का LCM। तो क्या बच्चों फॉर्मूला याद रखोगे आप लोग? नहीं ना, फॉर्मूला याद रखना है? बिल्कुल नहीं रखना है। आपको बस ट्रिक याद रखना है कि सर LCM निकालना है तो ऊपर वाले को सर आप बताए कि LCM निकालने को, नीचे वाले को HCF। अगर HCF निकालना है तो सर आपने तो बताया तो ऊपर वाले को क्या निकालना है? HCF और नीचे वाले को LCM। तो फॉर्मूला यूज आपको करना ही नहीं, बस आराम से बन जाएगा। तो चलिए देखिए दो एग्जाम्पल ले लिए हैं, अब ये दोनों को हम बनाकर आपको सिखाने जा रहे हैं। तो देखिए ये आपका एग्जाम्पल पहला है, इसको हम लोग बनाएंगे। तो हमको इसका क्या निकालना है? लसा निकालना है। क्या निकालना है? लसा। लसा को LCM भी लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। आप LCM भी लिख सकते हो या फिर क्या लिखेंगे? लसा मतलब लघुत्तम। अब लघुत्तम निकालना है तो क्या लिखा हुआ है ऊपर? ये लसा ना, लसा फॉर्मूला ये है कि ये वाला है। देखिए ध्यान से, लसा निकालना, लसा ये वाला है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? अंशों का लसा। ये अभी हम बताए ऊपर वाले का लसा। ऊपर वाले कौन कौन लीजिए? ऊपर वाले देखिए छतों पर कौन कौन बैठा है ना, ऊपर कौन कौन है? 16, 12, 4, ये तीन है। और कोई ऊपर है क्या? नहीं, ये तीनों का क्या लिखेंगे? लसा। क्या लिखेंगे बोलिए जी? लसा। बोलते रहिए आप, साथ में कॉपी रख रहिएगा, कॉपी रखिएगा और मेरे साथ बना करके देखिएगा कि बनता है कि नहीं। बन जाएगा ना तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो एक बार दो बार और देख लीजिएगा। आपको पूरा विश्वास है कि आप एक बार में ही क्या कर लोगे, सीख जाओगे, एक बार में ही आप बना लोगे। चलिए क्या लिखा? नीचे वाले का मसा। नीचे वाले का मसा, हर मतलब नीचे वाला ना जी। तो नीचे वाले का मसा, नीचे वाले कौन कौन है? 15, 30, 6, यानी कि 15, 30, 6, इसका क्या निकालना है आपको? मसा, ये ना। अब देखिए 16, 12, 4 का लसा। तो लघुत्तम आपको निकालना आता है ना? कैसे निकालते लघुत्तम? ऐसे नहीं निकालेगा आप लोग लघुत्तम, 2 से लगेगा 8 बार में 6 बार में 2 बार, फिर 2 से लगेगा 4 बार में 3 बार में 1 बार, ऐसे निकालेगा लघुत्तम। अब क्या करते हैं? गुना कर देते ना, ये इसको 2 दुना 4, 4 चौके 16, 16 किया 48, कितना? 48। नीचे
पंद्रह तीस और छह का मासा निकालना है, पंद्रह तीस छह का मासा। तो मासा कैसे निकालते हैं बताइए, फिर लोग क्या करते हैं कि लोग छोटा वाला सब पहले क्या करते हैं, छोटा वाला लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, छह दुनी बारह ये करते हैं क्या। अब पांच में से दो जगह कितना जगह, तीन, यहाँ पर ये छह, यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे ही करते हैं। तीन से कट गया ना, अब तीन से किस पर लगाएंगे, कौन बच गया, तीस, तो तीन से लगाने किस में, तीस में कितना बन में, दस बार में ये कट गया, तो कितना आया जी, तीन आया मासा ना, मासा कितना आया, तीन। तो नीचे क्या लिखना है, मासा लिखना, मासा कितना लाए हम, तीन लाए, देखिए तीन लाए ना मासा, तीन लिख दिया। अब इसको क्या करना, काट देना, कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, नहीं कटेगा आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। और कटेगा तो क्या कर लेना है, काट देना, काट ही दीजिए, कट गया, इसका आंसर कितना आ गया, सोलह आया कि नहीं आया। तो उसी प्रकार से इसको भी बना लेंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, यहां देखिए सेम वही काम करना है आपको, बस लिखना क्या है, इंग्लिश में लिखना है, कुछ नहीं है, यानी क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख दिया ना। अब हमको निकालना क्या है जी, तो सर एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम निकालना है तो हम अभी बता देना कि जब भी एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला को न्यूमरेटर से क्या निकालेंगे, एलसीएम, इसे न्यूमरेटर कौन कौन है, न्यूमरेटर कौन कौन है, ऊपर वाला सोलह है ना, लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ सिक्सटीन टू वेल ये ना बटे एच सी एफ कितना, फिफ्टीन थर्टी और सिक्स ये ना जी। अब सिक्सटीन ट्वेल्व और फोर उसका अभी यहां पर एलसीएम निकाल के दिखाए थे ना आपको, सिक्सटीन ट्वेल्व फोर का एलसीएम नहीं निकाल के दिखाए थे, ऐसे किए थे ट्वेल्व फोर ऐसे निकाले थे एलसीएम, दो से आठ बार में, दो से छह बार में, दो से दो बार में, दो से ये चार बार में, ये तीन बार में, एक बार में लगाया कि नहीं इसका से, तो टू टू जा फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट, यहाँ पर फोर्टी एट, फिफ्टीन थर्टी और सिक्स, फिफ्टीन थर्टी और सिक्स का क्या करेंगे, एच सी एफ निकालेंगे, जैसे भी निकाल के खाए थे ना, सिक्स टू जा टू ट्वेल्व, थ्री थ्री से लगेगा सिक्स वन में, थ्री टू जा सिक्स, ये थ्री से हम लगाएंगे आप इसमें थर्टी में, कितना होगा टेन टाइम्स, यहाँ पर थर्टी कितना आया, थ्री आया ना, क्या लिखेंगे थ्री। अब इसको देखिए काट देंगे, काटेंगे कितना आ जाएगा सिक्सटीन, ये आपको बन कर दिया, देखिए दोनों सेम आंसर आया ना। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं ऐसे बना लेंगे, जो इंग्लिश वाले हैं वो ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब हमको निकालना है एग्जाम्पल में मासा, क्या निकालना है मासा, तो चलिए पहले हिंदी में बना देते हैं, हिंदी में बना देते हैं, लिखेंगे मासा, मासा का मतलब महत्तम, क्या महत्तम समावर्तक, तो मासा निकाल रहा है, तो मासा निकालने के लिए क्या है, आंसर का मासा, आंसर का क्या निकालना है मासा, रोको तो वीडियो। तो फ्रेंड्स अब हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है, क्या निकालना है मासा, मासा का मतलब महत्तम, एच सी एफ, तो एच सी एफ कैसे निकालेंगे, तो मासा भी निकालेंगे आंसर का मासा, आंसर मतलब ऊपर वाला, ऊपर वाला कौन कौन है, अठारह पंद्रह तीन का मासा बट, अब क्या लिखना है हरो का लसा, हर कौन है जी, बत्तीस बारह आठ का लसा। अब यहां देखिए अठारह पंद्रह तीन का हमको मासा निकालना है, तो अठारह पंद्रह तीन का मासा कैसे निकालते हैं पता ही नहीं आप लोगों को, मासा निकालना आता है कि नहीं आता है, देखिए हम यहां पर करते हैं, यहां पर जब है ना मेरे पास अठारह पंद्रह तीन का हमको क्या निकालना है मासा, तो पहले तीन से लगाएंगे पंद्रह में, तीन पचे पंद्रह कट गया, अब तीन से किसे लगाएंगे अठारह में ना, मासा निकालने आता है ना भाग विधि से, तो भाग विधि से आप मासा निकाल दीजिए पहले, तीन से के अठारह कट गया, मासा कितना आया जी, कितना आया तीन आया, ऊपर लिख देंगे हम तीन। अब बत्तीस बारह आठ का निकालना है लसा, बत्तीस बारह आठ इसका निकालना है लसा, दो से सोलह बार में, दो से छह ये चार, फिर दो से आठ बार में, दो से तीन बार में, दो से दो बार में, फिर दो से लग जाएगा चार बार में, ये तो नहीं ना लगेगा जी, ये एक बार में, तो अगर हमको लसा निकालना है तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं ना, दो दुना चार, चार दुना आठ, आठ चौदह बत्तीस, बत्तीस किया छियानवे, कितना छियानवे। अब यहाँ देखिए कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, कितना से
तीन से एक बार में तीन से एक बत्तीस बार में, क्या लिखेंगे एक बटे बत्तीस। इस प्रकार से बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अगर नहीं करेगा तो वही आंसर रह जाएगा। चलिए आपको इंग्लिश में निकालना है तो कुछ नहीं, वही काम यहाँ पर करना है, बस एच सी एफ है, क्या लिखेंगे एच सी एफ। एच सी एफ का फॉर्मूला कौन है, ये बोलना है, क्या लिखा हुआ है एच सी एफ ऑफ, क्या लिखेंगे एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स देखिए आपको गलती नहीं दी, आपको डिनोमिनेटर्स हमको नहीं लिखना, हमको यहाँ क्या लिखना है, न्यूमिनेटर्स लिखना है। क्या लिखना है, ऊपर हमेशा न्यूमिनेटर्स होता है ना, ऊपर क्या रहता है जी, न्यूमिनेटर्स ना, तो हमको ऊपर क्या लिखना होगा, न्यूमिनेटर्स। नीचे क्या लिखना है आपको, डिनोमिनेटर्स। यहाँ देखिए आपको गलती लिखा हुआ था, आए समझ में, एच सी एफ निकालना है, एच सी एफ किसका निकालेंगे पहले, न्यूमिनेटर्स का, एलसीएम डिनोमिनेटर्स का। एच सी एफ है न्यूमिनेटर्स, न्यूमिनेटर्स से क्या है जी, देखिए अठारह पंद्रह है बट, फिर क्या लिखा है, एलसीएम लिखा हुआ है, तो लिखेंगे एल सी एम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स कौन है, बत्तीस बारह आठ, ये ना। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां से, कैसे करेंगे, क्या लिखे, अठारह पंद्रह तीन का एच सी एफ हम यहाँ पर निकालते हैं, लिखा है देखा ना कितना आया, थ्री आया ना, एटीन फिफ्टीन है, थ्री का एच सी एफ कितना आया, थ्री आया, थर्टी टू टूवेल्व एट, थर्टी टू टूवेल्व और एट का अगर हम एलसीएम निकालते हैं कितना आया था, यहाँ पर 96 आया था ना, क्या लिख देंगे 96, इससे बन गया तो 1/32। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो ये आपका फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, भिन्न संख्या पर लसा और मसा कैसे निकालेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और खास टॉपिक के साथ, तो आज के इतना ही रन लेते हैं।